हाय फूडीज, क्रेजी करिस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो मिडल ईस्ट की एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रेसिपी है, जो है फलाफल। फलाफल को ट्रेडिशनली हमस के साथ सर्व किया जाता है और इन दोनों के ही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं काबुली चने, जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल है। सुनने में थोड़ा डिफरेंट लगता है पर इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं रेसिपी। फलाफल बनाने के लिए हमें एक कप काबुली चने लेने हैं और इसे ओवरनाइट सोक करना है। पानी को हमें ज़्यादा ही डालना है क्योंकि चने भीगने के बाद बड़े हो जाते हैं। इसी तरह हमस बनाने के लिए भी हम आधा कप काबुली चने को ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। तो चलिए हम पहले हमस बना लेते हैं। और हमस बनाने के लिए हमें पहले तहीनी बनानी होगी। तहीनी बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये स्प्लटर होने लगेंगे, तब हमें इसे साइड में रख देना है और इसे ठंडा होने देना है। हमारे तिल ठंडे हो चुके हैं। अब एक जार में हम सफ़ेद तिल और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी तहीनी बनके तैयार है। अब हम इसमें 4 से 5 विसल तक प्रेशर कुक किए हुए काबुली चने डालेंगे और साथ में जाएगा थोड़ा सा लहसुन, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, और इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ज़रूरत पड़ने पर आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। और अब जाएगा ठंडा पानी और फिर से ब्लेंड करें। हमस की कंसिस्टेंसी इस तरीके से थिक ही रहनी चाहिए। हमस बनके रेडी है, तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पर मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? तो फटक से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं फलाफल। इसके लिए हम एक बॉल में ओवरनाइट सोक किए हुए चने लेंगे। जी हाँ, हमें इसे उबालना नहीं है। चने का पूरा पानी ड्रेन कर लिया है और इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 6 से 7 कली लहसुन, 3 बड़ी हरी मिर्च, 1 कप प्याज और 2 कप धनिया। आप पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 2 चम्मच नींबू का रस, और चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। हमें इसे मोटा ही पीसना है और इसमें पानी ज़रा भी नहीं डालना है। तो देखिए, हमारा फलाफल का मिक्सचर परफेक्टली रेडी है। अब हम इसमें 1 चम्मच पेपरिका और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप पेपरिका को स्किप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आपका मिक्सचर पतला हो गया है तो आप 1 चम्मच बेसन डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हाथों को ग्रीस कर लेते हैं और अब बनाते हैं फलाफल। मैं टिक्की के शेप के फलाफल बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे गोल आकार में भी बना सकते हैं। टिक्की रेडी है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आप टिक्की बनाते जाएं और साथ में फ्राई भी करते जाएं। हमें इसे पहले से बना के नहीं रखनी है, नहीं तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। हमें इसे मध्यम आंच पर ब्राउन होने तक पकाना है। तो लीजिए, हमारा डिलीशियस फलाफल तैयार है।
ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे पीता ब्रेड में सलाद के साथ स्टफ करके भी खाया जा सकता है, पर इसे हम्मस में डिप करके खाने का मज़ा ही कुछ और है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।